दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन अप्रूव हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूस में बनी पहली कोविड-19 वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री में अप्रूवल मिल गया है। पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटियों को यह टीका लगाया जा चुका है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, इस सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर हुई। उन्होंने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन जरूरी टेस्ट से गुजरी है और उनकी बेटियों को भी टीका लगा है, वे ठीक महसूस कर रही हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको कह चुके हैं कि इसी महीने से हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने की शुरुआत हो सकती है। रूस में सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि मास्को के गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एडनोवायरस को बेस बनाकर ये वैक्सीन तैयार की है। हालांकि मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज का इजाजत खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने रूस के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 100 से भी कम लोगों को डोज दी गई है, ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। गौरतलब है कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जहां रूस ने सबसे पहले बना लेने का दावा किया है, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, चीन और भारत समेत कई देशों में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल के आखिरी स्टेज में कुल 5 वैक्सीन पहुंच चुकी हैं और शुरुआती नतीजे अक्टूबर तक आने के आसार हैं। साथ ही जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ओनली माई हेल्थ कोरोना वायरस वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। ओनली माई हेल्थ के वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए हैं।